मेरा नाम जाहिद है, मैं यूपी से आया हूँ, जिला बागपत है। मेरे बचपन में चश्मा लगा हुआ था -34 नंबर का, 15-16 साल से चश्मा यूज़ कर रहा हूँ मैं। मुझे परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती थी, मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी बहुत दिक्कत होती थी। मैंने फिर 10वीं करके छोड़ दी, तो अब मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं चश्मा लगाता था वो वाला 34 नंबर का, तो मान लीजिए बारिश आ रही है तो मेरे को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। कोरोना टाइम था, जैसे मास्क लगाता था तब चश्मे में भाप वगैरह बन जाते थे, बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। चश्मा गिर जाता था तब भी उठाया भी नहीं जा सकता था मेरे पे चश्मा। जैसे अकेला कहीं आना जाना नहीं कर पाता था मैं, अकेला कहीं जाता भी था किसी का धक्का वगैरह लग जाता तो चश्मा नीचे गिर जाता था, उठा भी नहीं सकता था चश्मा में। तो कहीं जाता था तो किसी को अपने साथ लेके ही जाता था। जैसे पढ़ाई करता तब भी कोई बहुत दिक्कत, कंप्यूटर चलाता तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत। चश्मा जहाँ पे मैं रहता हूँ यूपी में, वहाँ पे चश्मा नहीं बनता था इतना मोटा, तो मेरे को दिल्ली आना पड़ता था चश्मा बनवाने के लिए। अपना जहाँ दिल्ली बनवाता हूँ वहाँ पर ऑर्डर पर बनता है स्पेशल। अगर मान लीजिए चश्मा मेरा वहाँ पर टूट जाता है, इस चश्मे के 3-4 हज़ार रुपये में बनता था, ये बहुत ज़्यादा महंगा बनता था चश्मे। आईएम्स में भी दिखाया मैंने, आई हॉस्पिटल में, बहुत टाइम लगता था दिखाने में। तो उसमें डॉक्टर ने बोला था आपका चश्मा नहीं हट सकता, तो मेरे को वहाँ पर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। काफ़ी जगह गया तो सब ने मेरे को मना कर दिया तेरा चश्मा नहीं हट सकता। रोह तक गया, आईएम्स में गया, बहुत सारी जगह गया तो सब ने मेरे को मना कर दिया। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी 25-26 नंबर वाले चश्मे की, तो मेरे को लगा मेरा यहाँ पे चश्मा हट जाएगा, तो मैं यहाँ पे आंख दिखाने के लिए आया। मेरी टेस्टिंग हुई, डॉक्टर राहिल सर ने बोला कि आपकी आरएलई हो सकती है, आरएलई सर्जरी के लिए मैं अपनी तैयार हुआ हूँ। तो फिर मैंने अपने कल आरएलई कराई है, मेरे को चश्मा हट गया, 100% अच्छा दिख रहा है। मेरा -34 नंबर था तो अब मेरी 6x9 नज़र आ गई सर। एडिट करना है आपको, देख तो कहाँ पढ़ पाओगे। PSKZDHEUTRFCVPZS नीचे वाला है DREKTUH। वेरी गुड, देखो 6x9 पढ़ रहे हो अभी, और बेटर होगा विजन डेवर और अच्छा होगा, ठीक है जी। और आपको विजन 1 हफ्ते 10 दिन में पूरा परफेक्ट हो जाओगे जी, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को कुछ मिसिंग लग रहा है। कहाँ इतना भारी चश्मा पहनना था, जैसे हटाया मैंने तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं सुबह उठता था, सुबह से लेकर शाम तक का चश्मा ही चाहिए था मेरे को। चश्मा पहनता था मैं, एक भी टाइम बगैर चश्मे के नहीं रह सकता था मैं। अगर मान लीजिए चश्मा उतार के रह भी सकता था, पर फिर मैं घर से बाहर नहीं जा सकता था। जैसे मैं पानी पीने जाता था तब भी मेरे को चश्मा चाहिए, कहीं पर भी जाता था चश्मा ही चाहिए था। चश्मे के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था मैं। ये मान लीजिए चश्मा है तो आँख है, चश्मा नहीं तो कुछ भी नहीं है। सर मेरा चश्मा हट चुका है तो मैं अपनी पढ़ाई भी शुरू करूँगा थोड़े टाइम बाद। कुछ पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा बनूंगा। तब तो मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तब मैं चश्मा लगाता था। अब पर कुछ करने का मुझे दोबारा मौका मिला है, पढ़ाई वगैरह करूँगा, बहुत कुछ करूँगा, जॉब वगैरह। पर मेरी अब दिक्कत दूर हो गई, बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ चश्मा हट गया। सबसे बेस्ट हॉस्पिटल I7, यहाँ पे इतना अच्छा चश्मा हट गया मोटा नंबर का। बहुत जगह उम्मीद नहीं थी, वहाँ तो ना उम्मीद रही, जहाँ उम्मीद थी वहाँ से चश्मा हट गया मेरा। आज मेरे 6x9 नज़र आ गई है, 6x24 नज़र थी मेरी पहले, अब मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है।